हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? भाई अभी तक क्या होता है, हम कोई भी कार लेने जाते हैं ना, टॉप एंड तो ले नहीं पाते, महंगे इतने होते हैं टॉप एंड वेरिएंट। हम क्रेटा ले लें, सेल्टोस ले लें, ग्रैंड विटारा ले लें, बेस वेरिएंट से ही आपको इतना सब कुछ मिल जाता है ना, बेस सेकंड बेस से, कि आप टॉप एंड की तरफ जाने के बारे में 10 बार सोचते हैं। आज यही हालात हमारे साथ होंडा एलिवेट के सामने होने वाले हैं, क्योंकि अभी नई लॉन्च हुई है, बिल्कुल नई नई आई हुई है ये। आज हमारे सामने जो इसका वेरिएंट भी खड़ा हुआ है ना, सेकंड बेस वेरिएंट खड़ा हुआ है, तो इसमें और हमारे टॉप वेरिएंट में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, हमें क्या क्या अंतर मिल जा रहे हैं दोनों में, आज हम इनकी बात करने वाले हैं। मेनली फोकस आज हमारा इन्हीं बातों पर रहने वाला है। भाई अगर मैं इसकी फ्रंट से बात करता हूँ ना, तो आपको जो टॉप एंड वेरिएंट में मिल जाता है, ये बड़ी सी जो ग्रिल है, ये आपको ग्लॉसी ब्लैक मिल जाती है, बस और कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। ये यहाँ पर मैट फिनिश टाइप का आपको थोड़ा सा दे दिया गया है, ग्लॉसी नहीं मिल रही है। आपको हेडलाइट्स में कोई भी चेंजेस नहीं मिलेंगे, ये आपको प्योर एलईडी सेटअप के साथ मिल जा रही है। मैं इनकी एलईडी भी आपको जलाकर दिखा देता हूँ। आप देख पाएंगे प्योर एलईडी सेटअप विद डीआरएल हमें यहाँ देखने के लिए मिल जा रहा है। बस जो चीज़ की कमी है वो यहाँ पर, हमें फॉग लैंप यहाँ पर कंपनी ऑफर नहीं कर रही है इस वेरिएंट में। भाई अगर मैं लुक्स की बात करूँ, कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं है, एकदम बेहतरीन लुक्स हैं, ऊंचा सा बोनट, लंबा सा बोनट। बाकी यहीं पर अगर इसकी विड्थ की बात करता हूँ, तो 1790 mm की हमें इसमें विड्थ भी देखने के लिए मिल जा रही है कार में। भाई अगर भाई साइड से बात करता हूँ ना, तो साइड से भी मतलब आपको कुछ ज़्यादा कॉम्प्रोमाइजेज इस कार में नहीं करने पड़ेंगे। सबसे मेन कॉम्प्रोमाइज़ जो है ना आपको लगने वाला भी है, यहाँ पर हमें अलॉय व्हील कंपनी ऑफर नहीं कर रही है। लेकिन अगर टायर की बात करता हूँ भाई, तो टायर का जो साइज़ है हमारा 215/60R16 एक इंच छोटा हो जाता है, हमें टॉप एंड वेरिएंट में 17 इंच का टायर देखने के लिए मिल जाता है। बढ़िया बात क्या है, वो स्टील रिम नहीं करे हैं, मतलब ब्लैक कलर के हैं, स्टील कलर में नहीं है, ऊपर से व्हील कवर मिल जा रहा है हमें यहाँ पर। भाई रगेट फील के लिए आपको ब्लैक क्लैडिंग दे दी जा रही है। भाई अगर बात करता हूँ ORVM की, तो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, फोल्डेबल हमें यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलते हैं। रूफ रेल्स कंपनी आपको यहाँ पर ऑफर नहीं कर रही है, जो कि टॉप एंड वेरिएंट में आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। लेकिन जो बढ़िया चीज़ आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर, पुश बटन स्टार्ट, कीलेस एंट्री हमें इस कार में भी देखने के लिए मिल जा रही है यहाँ पर। भाई आप देखेंगे तो लोअर गार्निश वार्निश वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जा रही हैं। एक चीज़ और बहुत बढ़िया है यहाँ पर, ग्राउंड क्लियरेंस है। ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर हमें 220 mm का देखने के लिए मिल जाता है, टॉप एंड वेरियंट में भी और यहाँ भी, क्योंकि आप बोल सकते हो ना एक SUV सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है, किसी भी SUV में हमें इतना ग्राउंड क्लियरेंस देखने के लिए नहीं मिलता है। वहीं अगर इसके व्हील बेस की बात करता हूँ, वो भी एक्सट्रीम है, 2650 mm, बहुत स्पेशियस कार है अंदर से ये, इसीलिए। चलिए रियर में आते हैं कार के। भाई आप कार के रियर में देखेंगे शार्फिन एंटीना, हाई माउंट स्टॉप लैम्प, रियर डिफॉगर। बस यहाँ पर आपको जो चीज़ नहीं मिलती है वो है आपका वॉशर यूनिट आपको यहाँ पर नहीं मिली। लेकिन एक चीज़ जो आपको बहुत बढ़िया लगेगी, सेकंड बेस के बावजूद भी आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, कैमरा कंपनी आपको यहाँ पर ऑफर कर दे रही है, मतलब कैमरा मिल जा रहा है सेकंड बेस होने के बावजूद भी, ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। 4 point रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जा रहे हैं। बाकी अगर मैं इससे ओपन करता हूँ, तो एकदम जायंट बूट स्पेस, और बूट स्पेस सेगमेंट में सबसे बड़ा है, 458 लीटर का 458, किसी भी SUV में हमें इतना बड़ा बूट स्पेस देखने के लिए नहीं मिलता है यहाँ पर। और बाकी तो अगर मैं इंजन की बात करता हूँ, इसमें 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन हमें देखने के लिए मिल जाता है, जो कि 119 BHP की पावर और 145 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकाल कर देता है। मतलब इसके अलावा आपको कोई भी इंजन देखने के लिए नहीं मिलेगा, ना टर्बो ना डीजल, कुछ भी नहीं, अकेला यही इंजन है, यही मैनुअल में आएगा, यही ऑटोमेटिक में आएगा, यही बेस से टॉप तक चलने वाला है। वहीं अगर पेट्रोल की कैपेसिटी की बात करूँ, तो 40 लीटर की पेट्रोल की कैपेसिटी देखने के लिए मिल जाती है। भाई अगर ड्राइवर साइड गेट की बात करते हैं, तो ये देखेंगे लेदराइट नहीं दी गई है, चीज़ें हार्ड टच है, लेकिन आप देखेंगे डुअल टोन में दी गई है, काफ़ी बढ़िया लग रही है। ऑल 4 power विंडोज़ मिल जा रही हैं हमें यहाँ पर, और ड्राइवर साइड ऑटो डाउन है, ऑटो अप भी है, लेकिन ORVM इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, फोल्डेबल नहीं है। ये अपना चाइल्ड सेफ्टी लॉक हो गया, सेंट्रल लॉकिंग होगी, डन रिपोर्ट। स्पीकर मिल जा रहा है, ट्विटर नहीं मिल रहा है, 4 speaker देखने के लिए मिल जाते हैं, 2 आगे के गेट में, 2 पीछे के गेट में, ट्विटर यहाँ कंपनी ऑफर नहीं कर रही है। ये अपना बॉटल होल्डर और पेपर वेपर रखने के लिए स्पेस हो गया। सेकंड बेस वेरिएंट है, फिर रिपीट कर रहा हूँ क्यों भाई, हाइट एडजस्टमेंट का फीचर यहाँ भी मिल जा रहा है। सीट्स लेदराइट नहीं है, लेकिन देखने से कंफर्टेबल बहुत हैं। स्कूप्स देखिए, ये चीज़ें देखिए, अंडर द सपोर्ट की अगर बात करता हूँ, एक्सट्रीम लेवल है, बहुत बढ़िया है। बाकी कार के अंदर बैठते हो, अंदर से बैठ के देखते हैं कैसा फील आ रहा है। भाई अगर एडजस्टमेंट की बात करूँ ना स्टीयरिंग के, फिर से बता रहा हूँ सेकंड बेस से क्यों, ये देखिए टिल्टेड टेलीस्कोपिक, भाई सेकंड बेस वेरिएंट है। इधर देखिए, चीज़ें अब यहीं देखते रहिए, ऑटोमेटिक AC सेकंड बेस है, रियर डिफॉगर, फ्रंट डिफॉगर, सब कुछ मिल जा रहा है।
ये जो दिख रहा है ना एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले, भाई वायरलेस है इसमें, सेकंड बेस वेरिएंट से ही वायरलेस देखने के लिए मिल जा रहा है। वो बात अलग है, टॉप एंड से थोड़ा छोटा है लेकिन आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले ऑफर कर दे रहा है। डे नाइट मैनुअली एडजस्टेबल IRVM केबिन लाइट्स हो गई, इधर देखता हूँ कुछ भी नहीं है और इधर देखता हूँ तो वैनिटी मिरर देखने के लिए मिल जाता है यहाँ पर। भाई इधर आप देखेंगे तो यहाँ पर नॉर्मल वाइपर के कंट्रोल्स, इधर देखेंगे तो नॉर्मल हेडलाइट के कंट्रोल्स, कोई भी ऑटोमेटिक हेडलाइट यहाँ देखने के लिए नहीं मिलती है। इधर ये वॉइस कॉलिंग के कंट्रोल्स हो गए, इंफोटेनमेंट के सारे कंट्रोल्स हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर इधर आते हैं सेंट्रल कंसोल में, तो सेंट्रल कंसोल में आप ध्यान देंगे 12 वोल्ट 120 वोल्ट का सॉकेट हो गया, चार्जिंग के लिए USB पोर्ट हो गया और एक ही USB हो गया, इसमें इंसर्ट करना है कुछ भी। तो यहाँ पर टॉप एंड वेरिएंट में वायरलेस चार्जर आता है, यहाँ कुछ भी नहीं आ रहा है। दो कप होल्डर हो गए, मैनुअल ट्रांसमिशन का 6 स्पीड का गेयर बॉक्स हो गया और वही टिपिकल जो होंडा का गेयर बॉक्स आता है उसी टाइप का गेयर बॉक्स है कुछ। इधर ध्यान देंगे हैंड ब्रेक हो गया और भाई आर्म रेस्ट, मतलब सेकंड बेस वेरिएंट है, अच्छा खासा स्पेस के साथ यहाँ भी हमें आर्म रेस्ट भी कंपनी ऑफर कर दे रही है। भाई पॉलीथीन वॉलीथीन यार हटाते हैं, अच्छा खासा स्पेस है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है, लेदराइट नहीं है, कवर ओवर चढ़ेंगे सब बढ़िया लगने लगेगा। सीट्स काफ़ी हद तक कंफर्टेबल है, बट एक चीज़ जो मुझे लिटरली सही बताऊँ नहीं अच्छी लगी ना, अंडर थाई सपोर्ट वैसे तो बहुत बढ़िया लग रहा है लेकिन बैठने के बाद पता नहीं क्यों आपको हल्का सा ऐसा लगेगा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम है अंडर थाई सपोर्ट बैठने के बाद, इसमें ये फील आ रहा है, लेकिन ओवरऑल आप बोलोगे कंफर्टेबल है, ऐसी दिक्कत नहीं है। बाकी तो चलते हैं पीछे और पीछे से देखते हैं कार को। रियर साइड गेट देखेंगे तो आगे की तरह भाई डुअल टोन में है, लेकिन आप देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारा ट्विटर का प्लेस है इसे बंद कर दिया गया है, ट्विटर नहीं है क्योंकि इसमें। बाकी यहाँ स्पीकर देखने के लिए मिल जा रहा है, दो बॉटल होल्डर, पावर विंडो के स्विचेस मिल जाते हैं यहाँ पर हमें। बाकी अगर अंदर आते हैं तो भाई हेडरूम ठीक है इनफ, और बाकी आगे लेग रूम तो बहुत ही बढ़िया है इसमें क्योंकि व्हील बेस काफ़ी है कार का। रियर एसी वेंट यहाँ मिल जा रहे हैं कंपनी की तरफ से, बीच में एक केबिन लाइट भी अलग से मिल जा रही है। बाकी यहाँ आप देखेंगे तो एक 12 वोल्ट 120 वाट का सॉकेट कंपनी यहाँ पर हमें ऑफर कर दे रही है। बाकी सीट्स मैंने टॉप एंड का जब रिव्यू किया था तो भी बताया था थोड़ा सा अंडर थाई सपोर्ट हाँ मुझे कम लग रहा है, लेकिन वैसे कंफर्टेबल है, आपका जो ये पोस्चर है ना काफ़ी बढ़िया यहाँ सेट हो पा रहा है। बाकी अगर बीच में बात करता हूँ, कोई भी आर्मरेस्ट नहीं मिल रहा है, सीट 60-40 में, मैं जिस पे बैठा हूँ ये 60 वाली है, ये यहाँ से यहाँ तक का ये 40 का रेशियो हमें यहाँ देखने के लिए मिल जा रहा है। बाकी आप देखेंगे तो दोनों ही एड्रेस पीछे के एडजस्टेबल हैं, बीच में नहीं दिया है, दे देना चाहिए था, अब लगभग सारी कंपनियाँ दे रही हैं, आगे के भी दोनों एड्रेस हमें एडजस्टेबल देखने के लिए मिल जा रहे हैं। बाकी अगर सेफ्टी की बात करता हूँ तो इसमें हमें ABS, CBD, ब्रेक असिस्ट, ESP, हिल होल्ड कंट्रोल, लगभग सारे सेफ्टी फीचर भी हमें इस कार में देखने के लिए मिल जाते हैं। भाई भाई अगर मैं इसके प्राइस की बात करता हूँ, ये हमारा सेकंड बेस वेरिएंट है जो कि V के नाम से आता है और ये अपना क्या मैनुअल ट्रांसमिशन में खड़ा हुआ है। अगर इसके प्राइस की बात करूँ तो 12,11,000 रुपये इसका एक्स शोरूम प्राइस है। वहीं अगर ऑन रोड की बात करता हूँ तो इस समय मैं हूँ बरेली के होंडा शोरूम पर, यूपी के बरेली सिटी में, जहाँ पर ही हमें मोटा मोटा आप बोल सकते हो 13,87,000-13,80,000 के अराउंड में ऑन रोड पड़ जाती है ये कार। मतलब ओवरऑल आप बोल सकते हो एक बढ़िया कार है, क्यों, क्योंकि ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ बढ़िया कार है तो इस प्राइस सेगमेंट में काफ़ी कुछ यहाँ पर आपको ऑफर किया जा रहा है। चलिए तो कुछ इस तरह से थी वीडियो, कार पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करते रहें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।